नमस्कार दोस्तों, चलिए तो इस लेक्चर में हम देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल। जल परिवहन पर देना होगा अधिक ध्यान। इसके संपादक हैं विनायक चटर्जी। भारत में जल परिवहन यह क्षमता है कि वह सामान ले जाने की समस्या का समाधान कर सकें। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में केंद्रीय नौवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कांडला बंदरगाह से मंगलोर और कोची के रास्ते तूतीकोरिन तक के लिए कंटेनर ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तटीय माल नौवहन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यहाँ प्रयोग किए गए प्रतीक अत्यंत अहम है। कौन कौर भारतीय रेल की कंपनी है जो स्पष्ट रूप से तटीय नौवहन के लिए बनाई गई है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि दो केंद्रीय मंत्री, दो ऐसे मंत्री जो अहम बुनियादी क्षेत्रों में के परिवहन को निर्धारित करते हैं, इस अवसर पर उपस्थित थे। इससे पता चलता है कि दो अलग अलग तरह के परिवहन के आपसी संबंधों को किस तरह महत्ता दी जा रही है। सितंबर में कौन कोर से आंध्र प्रदेश के कृष्णापत्तनम बंदरगाह से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक माल नौवहन सेवा की शुरुआत की। इसके बाद सन 2018 में दोनों देशों के अधिकांश बंदरगाहों को दायरे में लाने के लिए इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई। ये कदम अपने आप में छोटे हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बन रही व्यापक योजनाओं की दृष्टि से ये काफ़ी मायने रखते हैं। सड़क तथा रेल के अलावा अन्य मार्गों से माल ढुलाई की सुविधा, लागत कम करने तथा भारतीय वस्तुओं को विश्व बाजार में अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दृष्टि से अहम है। अब तक जल मार्गों के इस प्रयोग पर ध्यान नहीं दिया गया था। सड़क मार्ग से माल वाहन की लागत प्रति किलोमीटर 2.58 रुपये पड़ती, जबकि रेल में यह 1.41 रुपये प्रति टन किलोमीटर और जल मार्ग से 1.06 रुपये प्रति टन किलोमीटर पड़ती है। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि जल मार्ग से सबसे सस्ता परिवहन होता है माल का। इसके बावजूद देश में माल वाहन का अधिकांश हिस्सा यानी करीब 60% हिस्सा सड़क मार्ग के माध्यम से ढोया जाता है। चीन में माल वहन में सड़क की हिस्सेदारी 24% और जर्मनी में 11% है। सड़क मार्ग पर जरूरत से अधिक निर्भरता के कारण हमारे देश में किसी उत्पाद के अंतिम मूल में लॉजिस्टिक्स की हिस्सेदारी 18% तक है। विकसित देशों में यह मुश्किल से बामुश्किल 9-10% है। इतना ही नहीं, सड़क परिवहन की तुलना में जल मार्ग से होने वाली परिवहन में प्रदूषण भी अत्यंत कम होता है। ऐसे बदलाव की आवश्यकता सरकार बहुत लंबे समय से महसूस कर रही थी। वर्ष 2015 में उसने महत्वाकांक्षी सागरमाला परियोजना की शुरुआत की थी। इस परियोजना के तहत जल मार्गों में माल वाहन की सुविधा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। इस परियोजना में नए बंदरगाहों का विकास करना, बंदरगाहों का आपसी संपर्क कायम करना और उनके आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल था। महत्वाकांक्षी सागरमाला परियोजना में इस प्रकार का संचार स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल मार्गों के इस्तेमाल से लागत में होने वाली बचत गवाई जा सकती है। अगर जहाज़ों को टर्मिनलों पर खड़े होकर माल को ट्रैक या रेल से जहाज पर पहुँचाए जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। चूंकि सागरमाला परियोजना की शुरुआत के बाद से कई अन्य सुधार भी शुरू किए गए। केंद्रीय सड़क फंड अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया ताकि कुल संग्रहित फंड के 2.5% हिस्से का इस्तेमाल जल मार्गों के विकास के लिए किया जाए। भारत में इस वक्त 14,500 किलोमीटर ऐसा जल मार्ग है जिस पर परिवहन किया जा रहा सकता है। गत वर्ष के आरंभ में भारत सरकार ने नियमों को शिथिल करके विदेशी कंटेनर जहाज़ों की को
को स्थानीय तटीय मार्गों पर माल ढुलाई करने की अनुमति दी थी। सरकार ने 1500 से 2000 टन भार वहन वाले जहाजों के नौवहन को लेकर जलमार्ग विकास परियोजना तैयार की, ताकि राष्ट्रीय जलमार्ग एक में हल्दिया से वाराणसी के बीच वाणिज्यिक परिवहन हो सके। इस परियोजना की लागत 5,369 करोड़ रुपये है। अनुमान है कि यह परियोजना 2023 तक पूरी हो जाएगी। कौन कोर के रूप में तटीय नौवहन की शुरुआत के चंद महीने पहले इस क्षेत्र में उस समय एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में MV रविंद्रनाथ टैगोर नामक जहाज का स्वागत किया। इस जहाज में पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी पेप्सी का 16 ट्रक माल कोलकाता से ढोकर लाया गया था। 4 वर्ष की अवधि में सागरमाला परियोजना में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार का दावा है कि सितंबर तक इस परियोजना के अधीन 31,447 करोड़ रुपये मूल्य की 125 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसमें इत्तौर और मुद्रा बंदरगाहों पर LNSG टर्मिनल प्रत्येक की लागत करीब 5,000 करोड़ है और 6,600 करोड़ रुपये की लागत से JNPT बंदरगाह उन्नयन का शामिल है, परंतु अभी भी यह शुरुआती दौर क्योंकि कुल मिलाकर 5.7 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 1314 परियोजनाएं अभी भी पाइपलाइन में हैं। गत वर्ष सामने आए क्रिसिल के जगतनारायण पद्मनाभन और सुदीप्त साहा के एक अनुमान के मुताबिक अगले कुछ वर्षों में जल परिवहन क्षेत्र में तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। लेखकों ने जल परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए कर सब्सिडी देने की बात की थी, साथ ही जमीन पर स्थित टर्मिनलों पर कार्गो के किफायती निपटान की बात भी इसमें शामिल थी। राष्ट्रीय जल मार्गों के आसपास स्थित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की एक विकल्प बताया गया। दूसरी ओर सरकार कोयला तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को सड़क मार्ग से परिवहन पर भारी भरकम कर भी लगा सकती है। ऐसा करके वह ट्रांसपोर्टरों को लंबी दूरी के सफर के लिए जल मार्गों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। बहुत लंबे समय तक ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि नौवहन कंपनियों को सड़क से रेल मार्ग की ओर स्थानांतरित किया जाए, परंतु सागरमाला परियोजना में निवेश बढ़ने तथा तमाम अन्य जरूरी नीतिगत बदलावों को मंजूरी मिलने के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वास्तव में जलमार्ग ऐसा क्षेत्र है जिसकी अनदेखी की जा रही है। अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है जिसके वे हकदार हैं, परंतु इस दिशा में और जोरदार तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता है। चलिए, तो ये था हमारा एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल।